काउंसलिंग में कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज करना होता है जो प्रैक्टिकली क्लाइंट्स को डील करते वक्त आपको जरूरत में आती हैं। जब आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं या काउंसलिंग से रिलेटेड नोट्स बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब उसे क्लाइंट के साथ ट्राई करना होता है तो आपको पता ही नहीं होता है कि क्या बातें करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, स्टेप बाय स्टेप क्या टेक्निक्स हैं, और अगर आप एक अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं तो इन टेक्निक्स को अपनी कम्युनिकेशन में एड कर लें। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि साइकोलॉजी रिलेटेड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, उनकी कैसे हेल्प की जाए। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, मैं बात कर रही थी काउंसलिंग की टेक्निक्स। पहले तो जानिए ये टेक्निक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने मेरी वीडियो देखी काउंसलिंग क्या होता है, आपने मेरी वीडियो देखी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग क्या होती है, आपने मेरी वीडियो देखी कि काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। लेकिन जब काउंसलिंग करनी है तो कैसे करनी है? मेरे पास जितने इंटर्न्स आते हैं वो कहते हैं मैम बातें ही तो करनी होती है ना, बातें कितनी डिफिकल्ट हैं, जब हम बातें करते जाएंगे तो अल्टीमेटली सब ठीक हो जाएगा। बट नॉट, काउंसलिंग इज नॉट टॉक, काउंसलिंग इज अ टेक्निकल वे जिससे आपका क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को समझ पाए, उसके अंदर ये कॉग्निशन डेवलप हो पाए कि हाँ एग्जैक्टली मेरी प्रॉब्लम क्या है। जब वो इस पे पहुंच जाता है तो वो आपके सजेशंस को भी फॉलो करने लगता है, वो खुद से खुद की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर आने लगता है, और फिर आप उसे पावर देते हैं कि इन सजेशंस को यूज करो और फिर अपने ट्रीटमेंट की डायरेक्शन में जाओ। सो टेक्निक नंबर वन, दीज टेक्निक्स मेक यू मोर प्रोफेशनल। ये टेक्निक्स अगर आप सीख लेंगे तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, और देखिएगा आपके क्लाइंट्स आपकी बातें करने से इतने इंप्रेस हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि टेक्निक्स क्या होती हैं। टेक्निक नंबर वन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिसे हम कहते हैं लिसनिंग स्किल, बहुत बड़ी टेक्निक है। कहते हैं कि अगर आप अपने क्लाइंट को कान दे पाएं तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। लेकिन लिसनिंग स्किल का मतलब यही नहीं होता है कि कोई बोलता जा रहा है और आप उसे सुन रहे हैं। लिसनिंग का मतलब होता है कि आप उसे सुने, समझें और क्लाइंट को फीडबैक भी दें कि आप उसे सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप समझें कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, तो नॉडिंग, स्माइलिंग, गिविंग एक्सप्रेशन कि आप उन्हें सुन रहे हैं इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, ओ दिस हैज टू बी इम्प्रूव्ड, आई रियली अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह के छोटे 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 नॉडिंग्स, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके क्लाइंट को कम्युनिकेट करेंगी कि आप उन्हें अच्छे से सुन रहे हैं। लिसनिंग स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे सुनते रहें लेकिन उसको प्रोसेस ना करें। लिसनिंग स्किल का ये मतलब नहीं होता है कि आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आपने उतावलापन नहीं दिखाना है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे कि डॉक्टर मुझे नहीं पता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूछे चलो आप अपने बारे में बताओ, चलो आप ये बताओ। क्वेश्चनिंग हैज टू बी वेरी लेस एंड लिसनिंग हैज टू बी मोर। यस, आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं अपने क्लाइंट को, जैसे हाउ वॉज योर डे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ कैन आई हेल्प यू, यू आर लुकिंग लिटिल सैड टूडे, इज देर एनी थिंग आई कैन हेल्प यू विद। इस तरह के छोटे छोटे जब आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो उससे क्लाइंट खुलता है, उसे पता चलता है कि उसे एग्जैक्टली बोलना क्या है। और जब तक आपका क्लाइंट बोल रहा है उससे सुने, एक बहुत अच्छा स्किल, एक बहुत अच्छा टेक्निक अगर आप अपनी काउंसलिंग को मास्टर करना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है, लिसनिंग हैज टू बी एक्टिव विद अ फीडबैक कि क्लाइंट आपको समझ रहा है, साथ साथ जब आप सुन रहे हैं तो उसमें इंटरप्शन नहीं चाहिए। क्लाइंट को प्रॉम्प्ट्स देके इनकरेज करें कि वो जो बोलना चाहता है या जो उसके मन में है, जो उसे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा लेकिन वो फील कर रहा है,
वो जब बोलेगा तो धीरे 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 वो आप पे ट्रस्ट डेवलप करेगा और आप अपनी काउंसलिंग को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है। और काउंसलिंग से जुड़े टेक्निक्स को जानने के लिए आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस का वेट करना है। इस टेक्निक को यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें। आपके पास क्लाइंट्स नहीं हैं, आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो अपने घर वालों के आसपास इम्प्लीमेंट करें, सुनने की पावर रखें और देखें आप कैसे एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। आने वाली वीडियो को देखने के लिए क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साइकोलॉजी सीखो को अपने फ्रेंड्स में भेजें और अपने स्टूडेंट्स में सर्कुलेट करें ताकि वो भी इन टेक्निक्स पे हैंड्स ऑन ग्रिप कर सकें। बने रहें, जुड़े रहें, लाइक एंड शेयर द वीडियो।